सो है गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? अगर सब बने होंगे और आगे भी सब बने रहना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए फ्री होता है लेकिन हमारी थोड़ी सी मदद होती है। सो गाइस, पहले तो आप लोगों को भोगाली बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और गाइस, एक बहुत ही बुरी खबर है, तो बाद में बताता हूँ लेकिन पहले सुन लीजिए। सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और एफसी गोवा के बीच में कल मैच था, और बहुत ही अच्छा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने खेला और हमें अच्छा लगा इसलिए। सो गाइस, कल नॉर्थ ईस्ट ने तरफ से हारा नहीं लेकिन ड्रॉ किया, इसमें ही मैं खुश हूँ कि कोई हारा नहीं है, हार से बेहतर ड्रॉ ही है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। लेकिन सो गाइस, इसमें ही एक बुरी की बात है, जो हमारा जो डिफेंसिव मिडफील्डर था जॉन गस्तनंगा, वो भाई टीम छोड़ के जाने वाले हैं, मतलब जाने वाले हैं जब तक ये वीडियो में डाल दूँ यूट्यूब में तब तक। सो गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी छोड़ने का जॉन गस्तनंगा का कुछ बड़ा रीज़न नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि जो जॉन गस्तनंगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कुछ फैमिली इशू के वजह से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी छोड़ रहे हैं, और आगे के समय में आप लोगों को कन्फर्म कर दूंगा किसके लिए वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी छोड़ रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो जैकबसन का जो रिप्लेसमेंट आने वाला था वो आएगा या नहीं आएगा अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन आएगा ऐसा सुनने में पहले आ रहा था, लेकिन अभी उससे रिलेटेड कुछ भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो जब तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जब भी आ जाएगा तो मैं आप लोग को वीडियो के जरिए बता दूंगा, या वीडियो नहीं बना पाया तो आप लोग को कम्युनिटी टैब से मैं बता दूंगा। लेकिन सो गाइस, इसमें एक बहुत ही बड़ी मुझे बुरी लगती है। सो गाइस, मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊँ और पूरे व्यूज वगैरह लूँ, मेरा इंटेंशन ये है जो बहुत लोग, सो गाइस बहुत लोग मुझे गाली देते हैं जो तुम हिंदी में वीडियो बना रहे हो, असामीस को इग्नोर करके। भाई मैं पहले तो आप लोगों को बोलूँ, मैं असामीस हूँ इसलिए मैं प्राउड करता हूँ, लेकिन भाई जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उनको मैं कैसे समझाऊँ भाई असामीस में? वो लोग भी नॉर्थ ईस्ट के फैन है, उन लोगों को भी पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में कौन प्लेयर आएगा कौन नहीं आएगा। सो गाइस, इसलिए मैं चूज कर लिया है हिंदी को, इस वजह से मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगा तो पूरा देखेगा और व्यूज ज़्यादा आएगा, इसलिए नहीं भाई, मैं 1K व्यूज में ही हूँ। लेकिन मेरा इंटेंशन है सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग, जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के फैन है, उन लोगों को समझाना मुझे चाहिए और मैं समझाऊंगा। जब तक मैं यूट्यूब चैनल चलाऊंगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के ही बारे में वीडियो बनाऊंगा, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे कमेंट गंदी गंदी कमेंट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं गाइस आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग गंदी गंदे कमेंट करते हैं उन लोगों को बोलता हूँ, लेकिन मेरे वीडियो में गंदे कमेंट कम ही आते हैं, लेकिन एक दो आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा माइंड में लगता है, इसलिए आज बता दिया। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।